नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए मैथ चल रहा है, और जिसमें हम चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं सेट के बारे में। और इसमें आज वीडियो नंबर 8 जाने वाला है। इससे पहले वीडियो हम 7 तक आपको कम्प्लीट करा चुके हैं, तो आज वीडियो नंबर 8 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने पहले की क्लास नहीं देखे तो आप जरूर जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 8.1 के हमने नोट्स आपको दिए हुए थे, सभी समझाए हुए थे आपको, और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.B को। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित समुच्चय के प्रकार बताइए। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स बनाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि इसके जो आपके प्रकार हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का समुच्चय बताइए। तो देखिए, इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्यूशन लिखना है। -1 और +1 के बीच कोई धन पूर्णांक नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखिए जब क्या आता है, देखिए -1 फिर 0 आता है, और फिर आपका आता है क्या, प्लस का। धन पूर्णांक का मतलब जो प्लस साइन के साथ कोई भी अगर आपका अंक है तो वो धन पूर्णांक है, और माइनस अंक के साथ कोई भी आपका डिजिट है तो वो आपकी कैसी है, ऋण पूर्णांक है। और जो 0 होता है ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये ऋण पूर्णांक होता है और ना ही ये धन पूर्णांक होता है, तो हम इसे किसी में भी काउंट नहीं करते, इसे हम न्यूट्रल काउंट करते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो ये -1 और +1 है उसके बीच में कोई धन पूर्णांक आएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके बीच में कुछ आ ही नहीं रहा है, केवल एक 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है, यानी -1 +1 के बीच में धन पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। इस तरीके से आप फाई बना दीजिए तो भी आपका ये रिक्त समुच्चय है, और या फिर आप क्या ऐसे मजली कोष्टक को इस तरीके से आप बना दीजिए तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय है। अगर मान लीजिए आपने इस मजलि कोष्टक के अंदर किसी भी लेटर को रख दिया, जैसे मान लीजिए हमने 0 ही रख दिया, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा आपका, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा खाली होना चाहिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सींग वाले घोड़ों का समुच्चय बताइए। तो सींग वाले घोड़ों का क्या समुच्चय होगा, इससे आपको बताना है, सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे इसमें। जैसा कि हमें पता है कि घोड़े के सींग नहीं होते हैं, अतः यह भी रिक्त समुच्चय का होगा, उसके होते ही नहीं है, तो ये किस में जाएगा, रिक्त समुच्चय में जाएगा। तो ये आपका प्रकार पूछा हुआ था, तो ये रिक्त समुच्चय का प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ तीसरा क्वेश्चन, उन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जिनका दहाई का अंक 2 हो, तो उनका जो आपका समुच्चय होगा वो क्या होगा है। अब देखिए, जिसका दहाई का अंक 2 हो, तो इस तरीके की अनंत संख्याएं हो सकती हैं, क्यों, ऐसी प्राकृत संख्याएं अनंत होंगी जिनका दहाई का अंक 2 होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 723, 723 में जो ये दहाई का अंक होता है, जैसे ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है, तो दहाई के अंक की बात कर रहा है, 2 आ रहा है। इसी प्रकार से आप 529 में देखेंगे तो 2 आ रहा है, 627 में देखेंगे तो 2 आ रहा है, तो ऐसी अनंत संख्याएं होंगी जिसके जो दहाई के अंक पर 2 आ रहा होगा जिसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम सेट में लिखेंगे तो ए बराबर, इसे हमने सेट में लिखा और डैश 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 कर दीजिए, इसका मतलब ही होता है कि ये जो चीज़ है वो अनंत तक जाएगी, तो ये हो जाएगा असीमित समुच्चय। असीमित का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, जिसे हम सीमा में किसी में हम बांध ना सकें, वो कैसा है, असीमित समुच्चय आपका कहलाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर 4 क्वेश्चन देखें तो कहा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो ये आपके फिक्स होते हैं, आप भी जानते हो ये कैसे होते हैं, आपके फिक्स होते हैं, इनकी जो काउंटिंग होती है वो कितने होते हैं, इनका आप सॉल्यूशन देखें, 26 होता है टोटल लेटर्स, कितना होता है, 26 होता है ए बी सी डी में। जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जो कि सीमित हैं, कैसे हैं, सीमित है, 26 से आप 27वां अक्षर नहीं निकाल सकते हो, 27वां लेटर आपसे बचेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय भी, यह समुच्चय कैसा है, तो ये समुच्चय एक है आपका
सीमित समुच्चय, क्या बोलेंगे इसे, सीमित समुच्चय बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। इसी प्रकार से जैसे हमने लिख के भी आपको दिया हुआ, जैसे ए सेट है जिसमें हमने देखिए लिखा हुआ पूरा लिखा हुआ एबीसीडी को, और एबीसीडी लिखने के बाद हमने लिखा हुआ है ये एक सीमित समुच्चय है। इस तरीके से आप बताओगे कि ये कैसा है, सीमित समुच्चय है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में हम बढ़ेंगे तो देख सकते हो आप, पी सेट दिया है पी बराबर एक्स वन सच दैट एक्स इस प्रकार है, एक्स वन इस प्रकार है कि एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमको क्या करना है, तो यह एक सीमित समुच्चय है क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान निश्चित होगा। तो अगर आप एक्स का मान निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, वो 3 निकल के आएगा। तो ये एक कैसा समुच्चय कहलाएगा, तो ये एक सीमित समुच्चय कहलाएगा, आप इसको समझ सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम देखिए बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कैसा होगा, एक होगा, वर्तमान राष्ट्रपति तो एक ही होगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे भारत का एक ही राष्ट्रपति होता है, अतः यह एक एकल समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि एक ही राष्ट्रपति है वर्तमान में तो एक ही होगा, ऐसा तो नहीं एक बार में दो दो तीन तीन राष्ट्रपति चल रहे होते हैं, केवल एक ही तो राष्ट्रपति बनता है, एक बार में एक राष्ट्रपति बनता है, तो वर्तमान का राष्ट्रपति एक होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, या आप जीके के बेस पर अपने आप को इसे अपडेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 2 की तरफ आए हैं, तो देखिए समुच्चय ए कॉमा बी का एक समुच्चय बताइए, तो ए और बी का एक समुच्चय बताइए, इसी सेम टू सेम मान लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं ए कॉमा बी एक सेट है का एक समुच्चय क्या हो जाएगा, इसका बी कॉमा ए हो जाएगा, इसे उलट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एक समुच्चय इसका हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसके बाद बी सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो कह रहा है ए कॉमा बी कैसे समुच्चय हैं। तो अगर आप इनमें काउंटिंग करेंगे तो इसमें लेटर इतने अवयव कितने हैं, 3 हैं, इसमें भी अवयव कितने हैं आपके, 3 हैं, ठीक है। तो अब तीनों में सेट में जब अवयव समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं तुल्य समुच्चय। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सेट ए सेट बी में अवयवों एलिमेंट्स की संख्या समान है, अतः यह एक कैसा है, तुल्य समुच्चय कहलाता है, यानी जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्विवेलेंट सेट है जब यहाँ ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ 1, 2, 3 लिखा है, यहाँ एक्स वाई जेड लिखा है, इससे मतलब नहीं है, चाहे यहाँ गधे घोड़े लिखा हो, चाहे यहाँ भैंस कुत्ते पौए कुछ भी लिखा हो, परंतु नंबर्स ऑफ नंबर इनके समान होने चाहिए, यानी अवयव इनके समान होने चाहिए, एलिमेंट्स समान होने चाहिए इनके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज एक्सरसाइज 8 आपको बी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अगली जब एक्सरसाइज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम आपके लिए 8C आपको कंप्लीट कराएंगे, इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी आपके लिए बना लिए हैं। तो आगे के वीडियो आपसे मिस ना हो आप अच्छे से उनको देखते रहें, इसलिए आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके, ताकि हमें भी अपनी मेहनत का फल मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे। अगर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ओके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।